अपने लेसन नहीं हो गया तो उसका बयान ना अपनी मौत खुद ही मर गया। अब भेड़ी को तो खातून नहीं आई, अब भी खातून हमारी मेमोरी थी, हमारी बहन थी, इज्जत दी थी। अल्लाह तआला का कौल है जिसे जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हम नेकी करने में छोड़ दूंगी। ये सारी रिफत शाहीन है, आप सब मेरी बहन हैं। वो कहते हैं ना, अगर एक अंडा गंदा निकल आया है तो इसका ये मतलब नहीं आप अंडा खाना छोड़ देंगे। आप अंडा तो खाते हैं ना, लेकिन आप अंडे को पानी में डाल के चेक जरूर करेंगे कि ये नीचे गया या ऊपर ही गया। तो जब हेरिंग हुई तो ये मुकदमा वहाँ पर यही है। और फिर डीजीटीओ ने कहा साबिया की, आयशा की कंप्लेन थी, नूरीन जी की कंप्लेन, नूरीन जी की उन्होंने गालियाँ दी, उनकी वादा को बहुत ही अफसोस होगा कि आप अपनी वैल्यूज यहाँ नहीं कराते हो। डीजीटीओ ने सारा कुछ देखा, फिर इन्होंने एक बयानिया बनाया कि चेंबर में करोड़ों रुपया है। तो हमने क्या किया कि एक दिन हम बैठे रहते, तो मैंने कहा यार कैसे प्रूफ दूँ मैं आपको ये कहूँ मैं चोर नहीं हूँ, ये चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि आप सब लोगों के लिए जब कभी किसी परेशानी में तो दो रकात सलात हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे हजरत अली जैसी फरासत और जहानत। हजरत अली बहुत ज़हीन थे, तो ये अल्लाह बख्श वादा कहते हैं। तो मैंने यही किया, मैंने जुनेद से कहा जुनेद आप बैंक को लड़ रही थी, हमने बैंक को लड़ रही कहा और बैंक को हमने कहा कि जी हमें बताएं कि हमारे चेंबर के अकाउंट में कितना अमाउंट आया था, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ कुछ आया हो। तो बैंक ने स्टेटमेंट दी जिस दिन से हमारा अकाउंट बना था उस दिन से लेके अब तक, और बैंक ने हमें स्टेटमेंट दी कि आपके अकाउंट 5 लाख से अब कोई पेमेंट ही नहीं है। तो इसका बयानना, ये वाला बयानना भी वही मर गया। जब बीजेपी में बात हुई तो कहता जी इनके पास इनका वकील कहता है इनके पास करोड़ों के फंड आएंगे, खा गई सारे। उसने कहा सबूत था, कोई सबूत है? कहता जी। उसने कहा तो फिर कि मैंने सुना है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जितनी बातें कर रहे हो कहते मैंने सुनी, मैंने सुनी है। तुम्हारे पास एक चीज़ का बयान नहीं। राहत ने मुझे कहा, राहत हमारी बहन है बहुत अच्छी, राहत ने मुझे कहा कि वो तो कहती है मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। मैंने कहा राहत सबूत क्यों नहीं दिया? सबूत पेश करती ना, आप ही हमने उसे इन्वाइट किया था यहाँ पे कि आए और वो बताए सबके सामने। आप सब लोग बताएं कि हमें उसे मेंबरशिप देनी चाहिए, क्या हमें उसे मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। जी हम लोगों को उनकी शक्ल का भी नहीं पता, तो ये मुझे पूछनी है कि इन तस्वीरों में से वो है कौन सी। हाँ जी, हमें तस्वीर थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं
हाजिरियाँ भुगती हैं FIA की, और उनके पास कुछ